हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी और चैप्टर नंबर सिक्स चल रहा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और इसमें हम डिस्कस करेंगे थॉर्नी बुशेस के बारे में, ठीक है। छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऐसे प्लांट जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होती है, वेरी लेस रेनफॉल वाले एरिया जो होते हैं वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो डेजर्ट हो या फिर मतलब पोलर एरिया, जो यहाँ पर इस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं थॉर्नी बुशेस के बारे में। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, ये जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं, ये जनरली पाए जाते हैं ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स में। मतलब जैसे अपना थार डेजर्ट है, इंडिया का जो डेजर्ट कौन सा है, थार। थार डेजर्ट अगर आप देखो तो वो बिल्कुल सूखा है, सूखा इलाका है, ड्राई है। ड्राई मतलब वहाँ पर मॉइस्चर बिल्कुल कम है, बहुत ही कम है, और रेनफॉल वहाँ पर बहुत कम होती है। अब सिंपल सी बात, अगर किसी जगह पर रेनफॉल कम होगी, बरसात कम होगी, पानी नहीं बरसेगा, तो वहाँ पर प्लांट भी ग्रो नहीं करेंगे, वेजिटेशन भी ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स पाए जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे। साथ के साथ में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन दी वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ दी कॉन्टिनेंट। अब देखो यहाँ पे वर्ड आ गया ट्रॉपिकल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे। जैसे ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बीच में जो चीज़ आ रही है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। अब ये कह रहे हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में जो डेजर्ट आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल डेजर्ट। अब कह रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है जनरली कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन्स पर लोकेटेड होते हैं। अब मान लो ये कॉन्टिनेंट है कोई, ठीक है, कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका है। अब इसका वेस्टर्न पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट इसका वेस्टर्न पार्ट हो गया। सिंपल सी बात है, ये यहाँ पर देखें तो ये ईस्ट वाला पार्ट, ये वेस्ट वाला पार्ट। ऐसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इसका वेस्ट वाला पार्ट, ये ईस्ट वाला पार्ट। कहीं भी देख लो, इंडिया के आसपास भी यहाँ पर वेस्ट। तो जितने भी ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी मतलब डेजर्ट पाए जाते हैं वो जनरली क्या है, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर पाए जाते हैं। जैसे साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर डेजर्ट है अटाकामा। यहाँ पर बात करें अफ्रीका में नामीब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया की बात करें ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। इंडिया में भी देखो तो आप थार डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, ठीक है, और गोबी डेजर्ट, ईरानियन डेजर्ट, तुर्किस्तान डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। नॉर्थ अमेरिका में भी डेजर्ट है। तो ये ज़्यादातर जो डेजर्ट हैं जो कि कैसे हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं, ये कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन्स पर लोकेटेड होते हैं। वेस्टर्न मार्जिन मतलब वेस्टर्न वाले हिस्से पर लोकेटेड होते हैं। अच्छा, जहाँ पर ये थॉर्नी बुशेस पाई जाती हैं या फिर हम कह सकते हैं इन वाले रीजन्स में वेजिटेशन कवर बहुत ही स्केर्स होता है। स्केर्स मतलब कम। यहाँ पर जो ये जो रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न मार्जिन्स हैं कॉन्टिनेंट के, यहाँ पर भी और जहाँ पर इस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, थॉर्नी बुशेस वाली वेजिटेशन पाई जाती है, वहाँ पर वेजिटेशन कवर कैसा होता है, स्केर्स। मतलब वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ही कम। स्केर्सिटी का मतलब भी क्या होता है, कम होते हैं। हेयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट। स्कैंटी रेन और स्कॉर्चिंग हीट का मतलब है यहाँ पर वेजिटेशन कवर कम होने का कारण क्या है, कम होने का कारण ये है कि एक तो यहाँ पर स्कैंटी रेन मतलब स्कैंटी का मतलब है कम रेनफॉल होती है, रेनफॉल कम होती है। दूसरा स्कॉर्चिंग हीट मतलब भयानक गर्मी पड़ती है। आप देख लो थार डेजर्ट में अगर आपका भी मतलब पिक्स देखना है या फिर टेम्परेचर देखना, आप वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। इंडिया की अगर बात करें बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, भयानक गर्मी पड़ती है, झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है। और आपने देखा होगा इंडिया में गर्मियों में तो एक हवाएँ भी चलती हैं, लोकल विंड्स भी चलती हैं जिनको बोलते हैं लू, ठीक है। तो गर्म ऐसे समझो थप्पड़ पड़ रहे हैं गालों पर अगर बाहर निकलोगे रोड पर। तो स्कॉर्चिंग हीट और स्कैंटी रेनफॉल ये रीजन है जिसकी वजह से वेजिटेशन कवर क्या होता है, यहाँ पे लो होता है, पेड़ पौधे यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से दृश्य दिखाई देगा, जमीन ऐसी सूखी सूखी सी दिखाई देती है, छोटे छोटे प्लांट ऐसी प्लांट टाइप के पाए जाते हैं जिनको थॉर्नी बुशेस बोलते हैं, ठीक है। अगर आप पोलर रीजन में जाओ, पोलर रीजन मतलब आपको पता है पोलर रीजन किसे कहते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो ये आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल के बीच में और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल के बीच में ये जो क्षेत्र है इसको हम फ्रिजिड जोन और पोलर एरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सन की रेज बहुत कम पहुँचती हैं, बहुत कम पहुँचने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। इसलिए लगभग थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। ऊपर के पोल को नॉर्थ पोल, नीचे के पोल को बोलते हैं साउथ पोल। यहाँ पर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट भी है, ठीक है। तो आपको अगर आप पोलर रीजन में जाओगे
तो वहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेस मिलेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड, माइनस में यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। अब सोचो ऐसी कंडीशन में भी सर्वाइव करना क्या होगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। ऐसी कंडीशन में ना तो ज़्यादा प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं, ना ही ज़्यादा एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड। अब सिंपल सी बात है, ऐसी एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस में नेचुरल वेजिटेशन का ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पर जो पाए जाते हैं मोसेस एंड लिचेंस या लाइकेंस, मोसेस एंड लाइकेंस यहाँ पर पाए जाते हैं, इन वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड। ये तो ये वाले प्लांट्स पाए जाते हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हैं मोसेस और लाइकेंस ये पाए जाते हैं, और बहुत ही कम मात्रा में श्रब्स पाई जाती हैं छोटी छोटी। इट इज़ ग्रोइंग इट्स ग्रोथ ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप वेजिटेशन। ध्यान दो, पोलर एरिया में जो वेजिटेशन पाई जाती है उसको हम बोलते हैं टुंड्रा टाइप वेजिटेशन, जो कि कब ग्रो करती है, यहाँ पर समर सीजन होता है वो, जो कि बहुत ही शॉर्ट होता है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। तो उस शॉर्ट समर सीजन में यहाँ पर कुछ वेजिटेशन ग्रो करती है, और जो वेजिटेशन पोलर एरिया में ग्रो करती है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, पोलर एरिया में जो समर होती हैं, शॉर्ट समर होती हैं, वहाँ पर जो वेजिटेशन ग्रो करेगी, पेड़ पौधे जो ग्रो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टुंड्रा टाइप वेजिटेशन, ठीक है। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। और ये जो टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, यूरोप में पाई जाती है, और ये यूरोप हो गया, ये आपका एशिया हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये ऊपर वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही कम। ये आपका मोसेस एंड लाइकेंस ये वाला हो गया, ठीक है। और द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी जो त्वचा होती है बहुत मोटी होती है, त्वचा मोटी होती है, थिक होती है, वो शरीर पर बहुत बाल पाए जाते हैं। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये जो जानवर है इनको आप कोई कपड़े तो दोगे नहीं कि लो भाई कपड़े पहन लो और मतलब ठंड से बच जाओगे। तो यहाँ पर प्रकृति ने क्या किया, यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं, जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं, उनकी स्किन जो है बहुत ही मोटी बनाई है, और साथ के साथ में उनकी स्किन पर घने बाल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जहाँ पर जो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है उससे ये एनिमल्स अपने आप को क्या कर पाते हैं, प्रोटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। ये देखो कितने घने बाल होते हैं, यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनके शरीर पर घने बाल होते हैं, साथ के साथ में इसकी स्किन जो होती है, इनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, सील, ये सील है, वालसेस, ये वालस है, मस्क ऑक्सन, ये मस्क ऑक्सन है, आर्कटिक आउल, ये आर्कटिक आउल है, पोलर बियर, ये पोलर बियर है, स्नो फॉक्स, ये स्नो फॉक्स है। तो ये जानवर है जो देखने को मिलेंगे आपको, कहाँ पर पाए जाते हैं, पोलर एरिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे, नोट्स मिलते रहेंगे, ठीक है, और सारे अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।